भाई सदर आने के बाद जैसे आए तो भाई ने कहा कि मुझे चलना है एम्प्रेस मार्केट, क्योंकि भाई को है मकाओ का बहुत शौक। भाई मकाओ देखने आए थे, तो अभी भाई ने मूड बनाया है कि मकाओ लेने का। लेकिन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज हम आए हैं यहाँ पे सदर की कंप्यूटर मार्केट में। दरअसल मेरे कज़न ने लिया था लैपटॉप, जो कि अभी ये सेल कर रहा है। वो सेल इसलिए कर रहा है क्योंकि इसको लेना है मैकबुक, तो इसके पास ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो रहा था। तो इसने किसी दोस्त को बोला था, इसका दुबई से मैकबुक आ रहा है तो इसके पास ये एक्स्ट्रा हो रहा था, इसके था तो ये कराची आया हुआ था, इसने सोचा कि मैं इसको सेल कर दूँ। तो उसी सिलसिले में आए थे। जब हम पिछली बार आए तो वहाँ पे बाइक खड़ी करी थी, उसमें ये हुआ था कि हमारी गाड़ी पुलिस वालों ने उठा ली थी, और बाइक की मेरी भी गाड़ी मेरी बाइक गई थी और भाई की कार चली गई थी। तो इसी वजह से हमने आए आज, सबसे पहले हम लोगों ने पार्किंग देखी है। तो चलो मार्केट चलते हैं, वहाँ पे आपको भी दिखाते हैं कि कैसी है ये मार्केट। लेकिन ये कराची की सबसे बड़ी सदर की कंप्यूटर की मार्केट है। ये सामने रीगल है और इसके आगे अमर टावर और स्टार सिटी मॉल भी इसके साथ ही बराबर ही है। तो अंदर चलें देखते हैं। तो भाई हम लोगों ने लैपटॉप यहाँ भी दिया है, भाई चेक कर रहे हैं। अभी का ये हुआ कि अभी हम लोग लैपटॉप जिस बंदे को दिखाया था, उसी बंदे को हम लोगों ने लैपटॉप सेल कर दिया। हमने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी लैपटॉप सेल हो जाएगा, तो हमने इतनी जल्दी लैपटॉप सेल कर दिया। उसके बाद इस भाई को जाना है आज ही और अभी गांव, क्योंकि इसकी टेस्ट है आईबीए में। तो इसको छोड़ूंगा मैं वहाँ, वहाँ से घर जाएगा। तो चलो आपसे आगे मिलते हैं भाई हम लोग। भाई सदर आने के बाद जैसे आए तो भाई ने कहा कि मुझे चलना है एम्प्रेस मार्केट, क्योंकि भाई को है मकाओ का बहुत शौक। भाई मकाओ देखने आए थे, तो अभी भाई ने मूड बनाया है कि मकाओ लेने का। लेकिन अभी 4 लाख 4.5 लाख तक की प्राइस थी, वो भी 8 महीने का मकाओ। तो अभी भाई क्या इरादा है आपका? हाँ इरादा है, लेकिन वो फीड वाले जो है ना बच्चे लेंगे। वो कितने के मिल रहे थे आपको? सेल्फ पे होते वो ऑलमोस्ट 2.5 लाख पे बता रहे थे, लेकिन उसे करेंगे कभी पे करेंगे। अच्छा, लेकिन लेने वही है, और बढ़ा लेने का फ़ायदा नहीं, ये अपने हाथ से उसको बढ़ा करो ना, वो तो मज़ा ही है, वो फीलिंग है। हाँ, तो अभी ये पर्सनली जिस काम के लिए आए थे, दरअसल इस भाई का थोड़ा सिविक सेंटर में काम था, तो उस काम के हिसाब से आए थे। अभी ये बोल रहे हैं कि अभी मैं पर्सनली मकाओ के लिए आऊँगा। तो चलो आगे आपको और दिखाते हैं। आगे का सीन ये है कि भाई आगे हम लोग आ चुके हैं यहाँ हैदराबाद में, यहाँ पे खा रहे हैं बिरयानी। यहाँ बिरयानी खाने के बाद हम लोग जाएंगे घर बैठेंगे। तो आज तकरीबन भाई की गाड़ी भी है शाम को, तो शाम को भाई की रवानगी होगी। बिरयानी खाने के बाद हम लोग घर गए थे, घर पे थोड़ा रेस्ट किया, और उसके बाद हम लोग आए हैं यहाँ पे ऑफिस से, दोस्त के ऑफिस से। उसे आकाश को मिलना भी था, तो वो अभी आ रहा है, उसके इंतज़ार में बैठे हैं। उससे मिलने के बाद आकाश का एक और दोस्त आएगा जिसके साथ वो गांव जा रहा है। कार पे आए थे, सो ये अभी कार पे ही वापसी जाएंगे, हम लोग उसके इंतज़ार में थे। तो आज का मतलब ऐसे सर, जो अभी टाइम बज रहा है आपको मैं दिखा दूँ, अभी टाइम बज रहा है तकरीबन ये 5 बज रहे हैं। मैं तकरीबन 1 बजे उठा था रात, हम लोग जैसे कि आपको पता है पिछले लोग में आपने देखा होगा पोर्टलैंड गए थे, पोर्टलैंड। तो ये थी हमारे सारे दिन की मूवमेंट। लोग ख़त्म करने से पहले आया था गली में गोले गंडे वाला, तो एक बनाएंगे गोला गंडा, वो हम खाएंगे। ये चीज यार बात होती है। बाकी नहीं तो अपना, तो अभी या क्या गोला गंडा है। तो अभी हम अपने ब्लॉग को यहीं भी ख़त्म करेंगे, आपसे मिलेंगे एक अगले ब्लॉग में।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।